डियर स्टूडेंट्स और लर्नर, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के। देयर आर सो मैनी मेथड्स टू टीच इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। हेयर वी टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन मेथड। डियर स्टूडेंट्स और लर्नर, वेलकम बैक टू योर चैनल। टुडे वी टॉक अबाउट द मैथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। हेयर वी टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन मैथड। ट्रांसलेशन मैथड्स मीन्स टीचिंग अ टारगेट लैंग्वेज बाई ट्रांसलेटिंग इट इन टू द मदर टंग। ट्रांसलेशन मैथड बेसिकली हम जिस भी लैंग्वेज को हम समझना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज को हम जानना चाहते हैं, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में, ताकि हम उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएँ। बहुत ही ये जो मेथड है बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है टीचिंग में, इन स्पेशली इन टीचिंग लैंग्वेजेस, और बहुत ही ओल्ड मेथड है ये और बहुत ही सिंपल मेथड है। द टीचर ट्रांसलेट ईच वर्ड एंड सेंटेंस इन टू द मदर टंग। This is one of the simplest way of teaching a foreign language. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मतलब बहुत ही ईजी ये मेथड है फॉर द टीचिंग लैंग्वेज। एंड टीचर जो है ईच वर्ड्स और सेंटेंस को मदर टंग में ट्रांसलेट करके बच्चे को कॉन्सेप्ट या बात को अंडरस्टैंड कराता है, उसको समझाता है। नेक्स्ट हेयर वी टॉक अबाउट importance of translation method. It helps student to read other languages and literature. ये जो है help करता है other languages को समझने में और literature को समझने में. Next, student become more familiar with the grammar of their native language. जो बच्चा है वो अपनी मातृभाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होता है, सो उसकी ग्रामर को बहुत ज़्यादा वो अच्छे से समझने के लिए फैमिलियर हो जाता है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट कैन लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर। बच्चा जब भी ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करता है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रामर से इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब भी वो कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है तो उसे ग्रामर की रिक्वायरमेंट होती है, वो ग्रामर को यूज़ करता है, ग्रामर के द्वारा ट्रांसलेशन पॉसिबल हो पाता है, तो उसको ट्रांसलेशन के द्वारा जो है ग्रामर की भी नॉलेज होती है। स्टूडेंट एक्सप्लोर देयर वोकैबुलरी थ्रू ट्रांसलेशन मेथड। जब भी हम एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो हमें दोनों ही लैंग्वेजेस की वोकैबुलरी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा नॉलेज होता है, इवन हमको अगर नहीं भी किसी वर्ड का मीनिंग पता होता है तो हम उसे सर्च करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं किसी चीज़ को। नेक्स्ट हेयर वी टॉक अबाउट एडवांटेज ऑफ ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या इसके एडवांटेज हैं ट्रांसलेशन मेथड के। दिस मेथड इज़ यूजफुल इन द क्लास इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये मेथड वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, उन सिचुएशंस के लिए बहुत यूज़फुल है जहाँ पर हम लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ा रहे होते हैं या बहुत सारे बच्चों को एक साथ बैठाकर हम गाइड कर रहे होते हैं, तो वहाँ के लिए ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है। एक साथ हम कई बच्चों को इस मेथड के थ्रू टीच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ अ बेनिफिशियल टू यूज़ इन द क्लास वेयर देयर आर स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस लेवल। मतलब कई लेवल के बच्चों को एक साथ बैठा के हम पढ़ा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं। वेरी, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर, वेरी इंटेलिजेंट एंड नॉट सो वेरी इंटेलिजेंट। इट हेल्प्स टीचर मच टू क्लियर द मीनिंग ऑफ अ वर्ड एंड सेंटेंस।
टू द स्टूडेंट्स ईजिली बाय ट्रांसलेटिंग देम इन टू द मदर टंग। ये टीचर को बहुत ज़्यादा ये मेथड हेल्प करता है कि वो बच्चों को किसी भी लैंग्वेज में लिखी हुई बात को या किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके उनकी मदर टंग में ईजिली उनको बात को समझा पाए। ये एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द थिंग वेरी ईजिली इफ़ टॉट यूजिंग दिस मैथड। बच्चे बहुत आसानी से अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी भी लैंग्वेज से दूसरी उनकी मदर टंग में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके हम उनको समझाते हैं तो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी रहती है और बहुत इजीली हम उनको वो चीज़ बता पाते हैं, समझा पाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट हम बहुत इजीली कन्वे कर पाते हैं। इट डजेंट कंज्यूम द टाइम इन फिनिशिंग द सिलेबस। बहुत ही कम समय में ज़्यादा सिलेबस को बच्चों को कवर कराया जा सकता है, उनको बहुत जल्दी उस सिलेबस को फिनिश कराया जा सकता है। देन प्रिसाइज पिक्चर्स ऑफ थिंग्स कैन ईजीली बी मेड इन द माइंड ऑफ द लर्नर यूजिंग दिस मैथड। मीन्स कि बहुत ही सटीक पिक्चर जो है चीज़ों की बच्चों के माइंड में डेवलप की जा सकती है। बहुत ही सटीक जो एक कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को माइंड में डेवलप कराया जा सकता है इस मेथड के थ्रू। नेक्स्ट, दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। मतलब जो बच्चे एवरेज हैं और जो बच्चे बिलो एवरेज हैं, ये मेथड उन दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए यूज़फुल है। नाउ हेयर वी कम ऑन द डिसएडवांटेज ऑफ द ट्रांसलेशन मेथड। Here, no oral work take place in the classroom due to this method, only teacher speaks. यहाँ पर बच्चे का भी किसी भी तरीके का oral involvement नहीं होता है, बच्चे किसी भी तरीके से orally involved नहीं होते हैं जब teacher translation method का use करता है, क्योंकि इसमें teacher ही बच्चों को translate करके target language से mother tongue में बच्चों को explain कर रहा होता है। Next, यहाँ पर द मेन फोकस रिमेन ओनली ऑन द मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज। मीन्स कि टारगेट लैंग्वेज को टीचर यूज़ कर रहा है और मदर टंग में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है और बाकी जो चीज़ें होती हैं कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, जानना, उनको ओरली इन्वॉल्व करना या वो क्या उनका क्या नॉलेज है, क्या वो समझते हैं, इस तरीके की कोई जो भी चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट, नो स्पीकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज इज़ पॉसिबल। टारगेट लैंग्वेज में यहाँ पे स्पीकिंग पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड है, हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं मदर टंग में। ओनली थर्स्ट रिमेन ऑन द रीडिंग कि यहाँ पर केवल। नेक्स्ट है यहाँ पे, द स्टूडेंट डज नॉट डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज, दे बिकम मेंटली लेजी। मतलब स्टूडेंट जो है उनको, क्योंकि ट्रांसलेशन के थ्रू उनको बात को ट्रांसलेट करके बताई जा रही है, उनको मदर टंग में हर चीज़ बताई जा रही है, तो जो टारगेट लैंग्वेज है उसको वो ना तो जानने की कोशिश करेंगे ना ही समझेंगे, वो मेंटली लेज़ी हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। कि जब उनको ट्रांसलेट करके मिल रहा है, मीनिंग पता चल रही है, तो वो क्यों मेंटली उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए ये डिसएडवांटेज है कि वो टारगेट लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट है, इट डज नॉट हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। हाँ, यहाँ पर क्योंकि जब बच्चे उस लैंग्वेज को सीख ही नहीं रहे, उस लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस तरीके का, तो उनका प्रोनाउंसिएशन जो करेक्शन है वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट, मेन एम्फेसिस इज गिवन ऑन द रूल्स ऑफ द ग्रामर। और इसमें जो मेन एम्फेसिस, मतलब जोर दिया जाता है, वो केवल ग्रामर के रूल्स के ऊपर दिया जाता है। अगर आपको रूल्स अच्छे से आते हैं, रूल आपको आने ज़रूरी हैं, तो आप ट्रांसलेट कर पाओगे चीज़ों को। तो केवल रूल्स पे ही इनको मेनली फोकस किया जाता है।